हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी की एक नई वीडियो में। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। देखिए मेरे बेटा सर आज बिस्तर उस्तर उठा दिया है, देख सकते हैं, क्योंकि कई दिनों से तबीयत खराब है। आज मेरा बेटा ही आजकल काम करवा दे रहा है। नंदनी तो स्कूल गई है सुबह ही, उसके पापा भी ड्यूटी चले गए, खाना नहीं बना, चाय पी के सिर्फ मैंने 2 रोटी बना के दे दिया, खा के चले गए। अभी बाकी काम ऐसे पर है। देखिए मेरे बेटा इधर खाना बना रहे हैं, आज भिंडी की सब्जी बना रहे हैं। अमन क्या बना रहे हो? मुझे नहीं आता बनाना। अमन को नहीं आता बनाना, तो मैं बना रही हूँ। सब्जी छान दिया था तो अमन झाड़ू लगा रहा था, तो उसे गई थी घर में देखने। इधर भिंडी की सब्जी बना रही हूँ, हल्का मसाला डाल दूंगी, इसे सब्जी पसंद है, भुजिया नहीं। देखिए दोस्तों, ये देख सकते हैं गाइस, मैंने सब्जी बना लिया है, भिंडी का सूखा सब्जी बन चुका है। कढ़ाई उतारू, रोटी रखू बनाने के लिए, आटा भी इधर गूंद के भी रखी हूँ। 10 मिनट हो गया आटा भी सेट। मेरी बेटी देखिए नीचे बैठ के खाना खा रही है, चावल और पनीर। क्या खा रही है बेटा? भात। भात हाँ। और पनीर। रात को पनीर पनीर मटर की सब्जी बनाई थी ना, तो वही सुबह था, तो रोटी सिर्फ बना के उसके पापा भी खा के चले गए, रोटी बना दी। तो अब बनेगा तो आराम से खाएंगे हम लोग। मुझे भी दवा खाना है, तो दवा भी रोटी बना दूँ, उसके बाद मैं दवा खा लूंगी, तब बाकी के काम होता रहेगा दिन भर। तबीयत बहुत ज्यादा इस बार खराब हो गया था, पेट का दर्द ही नहीं आराम हो रहा है। ये देखिए गाइस, मेरी बेटी को आके कैसे सोई है, गर्मी में भी इसको ओढ़ के सोना है। ये पंखा बंद है, उसके बाद पंखा मैंने अभी बंद किया है। ये मेहंदी लगा के पूरा बिस्तर में ऐसी लगाई है, मेहंदी लगा के सो गई है। तो मैं जर में भी घर धोने की, क्योंकि पूछा काफी दिनों से घर नहीं धुला है, तो आज मैं घर धोने के लिए अभी तैयारी कर रही हूँ, बर्तन वर्तन धो के सोची तो धो दूंगी, उसके बाद नहाऊंगी, क्योंकि लाइट भी चला गया था तो बैठी थी। हाँ बाद में करूंगी, घर के धोना है पूरा, थोड़ा अंदर से मिट्टी निकल जाता है क्योंकि पोछा अंदर लग नहीं पाता है। छुटिया बना दूं गाइस, बंद कर लिए इसका, तो छोटिया बांध खोल देती है, बंद क्लिप लगा देती है, नंदिनी से बनवा लेती है। दिखा गया इसके, मैं कैसी लग रही हूँ बता, मैंने रागनी को भी काजल लगा दिया है, मस्कारा लगा दिया है। मेरी रागनी क्यूट क्यूट लग रही है। अरे बटन बंद कर दूंगी ना, दो इधर देखो, मेरी बेटी को तैयार कर दिया है, अब मेरी नंदिनी ने खूब सो लिया, मैं भी तैयार हो गई। 5 दिनों के बाद आज बाल में कंघी लगा, 5 दिनों से ऐसी। दोस्तों दाल भात चोखा दिखाने के लिए, देखिए दाल चावल आलू के चोखा, आलू भी उबाल के रखे हुए हैं सुबह सब्जी बनाने के लिए। सबने खा लिया है, बस हम दोनों बचे हैं। तुम भी खाओगी? नहीं, तो मेरी रागनी का भी पेट भर गया है। तो ये आलू के चोखा और दाल चावल, अभी खीरा के सलाद काट रही हूँ। हाजी ये क्या है, ये क्या बना लाए हो खाने के लिए यार? मिल जाता होगा ढेर बार। आलू की चोखा। हाँ हेलो दोस्तों, देखिए आज हमारे घर में खीरा है, दाल चावल है, और इधर आलू के चोखा है। सही क्या होता हूँ आज ही आप लोग भी खाने के लिए, अपन में हर मिर्चाई लगे, दूसरा के मिठाई लगे, एक बार में खा जाओ तब ये बीमार हो जाओ। तो गाइस
खीरा सलाद और दाल चावल आइए आप लोग भी खाने के लिए। सबने खा लिया, सबने खा लिया, अब हम भी बाकी हम भी खा के अब लग जाएंगे। मैं दाल चावल चोखा अच्छा बता के देखिए, बिहारी चोखा बिहार का फेमस। दोस्तों खाना वाना खाने के बाद मैं पाचन शक्ति खा रही हूँ बोला है, तो बस अब दवा खाऊंगी। अब मेरी रागनी सो चुकी है। आज के वीडियो के हम दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं। यदि जी हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।